यहाँ पे जो है बॉक्स रहना है उधर क्रिकेट वाला नेट से। लोग जर्सीज भी प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, देखो सारे जर्सीज धो के सुखाए हुए। यहाँ पे बॉलिंग मशीन फैसिलिटी है, बॉलिंग स्पीड इनका 160 किलोमीटर पर आवर तक जाता है। ब्रो आपके यहाँ पे कौन कौन से स्पोर्ट्स के फैसिलिटीज अभी हैं, और आपके वो जो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है उसमें और कौन कौन से चेंजिंग रूम जो है वो भी बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है। वी गो इनसाइड, होप कोई चेंज ना कर रहा हूँ। दिस इज रियली नाइस एक्चुअली, देखो कितना मस्त है। यहाँ पे भी हमारे जैसे गरीब प्लेयरों के लिए थोड़ा सस्ता करवा दो भाई। गरीब लगते नहीं हो वैसे, लेकिन फिर भी। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो, मैं हूं आपका दोस्त उमेश। स्पोर्ट्स वालों को ना भाई कोई भी स्पोर्ट्स खेलवा दो ना नहीं कहते, और मुझे तो कोई भी स्पोर्ट्स खेलने के लिए कहते मैं तो ना नहीं कहूंगा। तो आजकल ना उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट निकला है, उसको बोलते हैं स्पोर्ट्स अरेना, जहाँ पे सारे के सारे स्पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं, फुटबॉल टेनिस क्रिकेट बैडमिंटन बहुत सारे स्पोर्ट्स। वैसे भी गुवाहाटी में एक बहुत ही सुपर स्पोर्ट्स अरेना बना है, नाम यहाँ नहीं वहाँ पहुँच के बताऊंगा, वहाँ दिखाने जा रहा हूँ कि क्या फैसिलिटीज है, क्या चार्जेस है, कौन कौन से स्पोर्ट्स है। और अगली बार आपका अगर दोस्त बोलता है ना कि अभी फुटबॉल, मैं तो उसका बाप हूँ, तो क्रिकेट, अरे मेरे दादाजी की उम्र, दादाजी भी खेलते थे, मैं भी खेलता हूँ और बाप भी खेला, जैसे बोलता है ना ले जाओ वहाँ उसको खेल दो और बताओ कि तुम्हारे बाप भी बाप थे, तुम्हारे दादा भी दादा थे वो गेम के। ये वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा कि स्पोर्ट्स अरेना में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, और आप जाके बुक करके खेल सकते हो, मजे ले सकते हो। वहाँ पे चल के हम दिखाते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ मिले। चलो गाइस मैं पहुँच गया हूँ स्पोर्ट्स अरेना के सामने, मतलब जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी है ना उसके सामने पहुँच गया हूँ। और स्पोर्ट्स फैसिलिटी का नाम है एरिजोना स्पोर्ट्स अरेना, वहाँ देखोगे तो। और ये लोकेशन जो है प्रतीक्षा बोरबारी हॉस्पिटल, तो आप जानते ही होंगे, तो उससे ठीक 100 से 150 मीटर की दूरी पे है। और उसके अंदर जो भी फैसिलिटीज है वो सारे है और कुछ कुछ बन रहे हैं, तो मैं अंदर चल के दिखाता हूँ कि क्या क्या फैसिलिटीज है। यहाँ से कुछ ही दूरी पे वो देखोगे तो प्रतीक्षा हॉस्पिटल दिख रही है, और ये पूरा ये बाहर का एरिया है। आप ऐसे जैसे ही पहुँचते हो ना यहाँ पे आपको बोर्ड दिख ही जाता है, तो आप अगर 6 माइल की तरफ से इधर साइड से आ रहे हो तो आपको यहाँ पे बोर्ड दिख ही जाएगी, और अगर नारंगी साइड से आ रहे हो क्योंकि VIP रोड है तो उधर से नारंगी साइड से आ रहे हो तो यहाँ वहाँ से भी देखते आओगे, तो यहाँ साइड में। तो ये लोकेशन है इसका, अब चलते हैं अंदर, अंदर चल के इसका पूरा फैसिलिटी दिखाते हैं। अंदर देखोगे तो बहुत सारे लोग आ चुके हैं ऑलरेडी खेलने मिलने के लिए। गेट से अंदर आते ही यहाँ पे कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये स्विमिंग पूल है, और ये बाकी क्या है ये पूछना पड़ेगा। यहाँ देखोगे तो ये स्पोर्ट्स अरेना है पूरा, और आज संडे है ना क्योंकि, तो बहुत लोगों का पूरा बुकिंग वुकिंग है, तो यहाँ पे ये लोग खेल रहे हैं ये सारे। और इधर पे है क्रिकेट वाला फैसिलिटी है, जो नेट्स वगैरह है, यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों का बुकिंग है तो वो भी आए हैं। फैसिलिटी दिखाने से पहले ना एक बहुत ही अच्छा चीज दिखाऊंगा, यहाँ पे ना एथर ग्रिड का एक ईवी चार्जिंग मशीन लगा हुआ है। अगर आपके पास ईवी व्हीकल है ना, ईवी मतलब मान लो कि आई डोंट नो इससे कार चार्ज हो सकता है कि नहीं, बट आई एम क्वाइट श्योर कि एथर का जो भी बाइक्स वगैरह है वो सारे चार्ज होते हैं, बाकी ईवी बाइक्स वगैरह भी चार्ज हो सकते हैं यहाँ पे, तो दिस इज गुड एक्चुअली। आप यहाँ पे खेल रहे होगे तब तक आपका बाइक चार्ज हो जाएगा। यहाँ पहुँचते हो सबसे पहले बॉक्स फैसिलिटी आपको मिलेगी, जो बॉक्स फैसिलिटी है इसमें आप क्रिकेट फुटबॉल कुछ भी खेल सकते हैं। दोनों फैसिलिटीज है, जैसे कि देखो फुटबॉल के लिए वहाँ पे और वहाँ पे गोल पोस्ट दोनों तरफ लगे हुए हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको क्रिकेट खेलने है तो वो पोस्ट तो रह गए, वहाँ विकेट यहाँ विकेट लगा देंगे, आप क्रिकेट भी खेल सकते हो। दोनों स्पोर्ट्स इसी में हो जाता है। और इसके चार्जेस की अगर बात करूँ तो इसमें आवरली बेसिस चार्जेस लगते हैं, हर घंटे का चार्ज लगता है आपको, आपका बुकिंग रहेगा कि ये 12 बजे से 1 बजे तक मैं खेलूंगा, तो उसके चार्जेस कितने होते हैं, डे के अलग होते हैं, नाइट के अलग होते हैं। नाइट में भी इनका होता है, नाइट के लिए देखो लाइट्स लगे हुए हैं, वो सारे लाइट्स लगे हुए हैं, तो बहुत ज्यादा लाइट अप हो जाता है रात को। तो डे चार्जेस पर आवर जो है वो 1495 सिर्फ इसका, ये अरेना अगर लेते हो तो 1495 रुपये, मतलब 1500 रुपये में 5 रुपये कम आपको दिन के लिए हर घंटे के देने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर रात को अगर बुकिंग करते हो आप तो पर आवर्स वही 1995 हो जाते हैं, मतलब 2000 से 5 रुपये कम, 1995 रुपये आपके हो जाते हैं पर आवर चार्जेस ये नाइट में अगर बुकिंग कराते हो तो। यहाँ पे जो है बॉक्स अरेना है, उधर क्रिकेट वाला नेट है, उधर बाद में जाएंगे, पहले चलते हैं इधर साइड जहाँ पे उनका मतलब डगआउट जैसा है, डगआउट भी है, चेंज रूम वगैरह का फैसिलिटी भी है, तो वो सब भी चल के आपको दिखाता हूँ। चलो इनके पास ये बहुत अच्छे से डेकोरेटेड डगआउट है, बाहर से देखोगे तो ये एरिया है जहाँ पे आप बैठ सकते हो, आपका अगर मैचेस चल रहे तो आपका अदर टीम से बैठ सकती है। एंड देन दे हैव स्पेशल थिंग कॉल्ड चेंजिंग रूम जो है वो भी बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है। सबसे बाहर देखोगे यहाँ पे रोनाल्डो मेसी डेविड बैकम का ऐसे छोटा छोटा बड़े डॉल्स रखा हुआ है। इफ वी गो इनसाइड, होप कोई चेंज ना कर रहा हो, तो दिस इज ऑल्सो रियली ब्यूटीफुल। चलिए देखो कितना मस्त है, यहाँ पे भी कुछ कुछ मतलब ऐसे फोटोज़ वगैरह लगे हुए हैं, FC बार्सिलोना, तो ये सब ऐसे फोटोज़ लगे, फुटबॉल फैन हो तो आपके लिए बेस्ट होगा। मेसी का यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल स्टिकर लगा हुआ है, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, फिर ये रोनाल्डो, बैकम, बेंजामिन, एंड देन यहाँ पे एक वॉश बेसिन भी है जहाँ पे वॉश कर सकते हो, और ये इनका वॉशरूम है,
तो वॉशरूम इज ऑल्सो क्लीन, क्वाइट क्लीन, बहुत ज़्यादा क्लीन है. तो दिस इज़ रियली नाइस. एक्चुअली में रूम में घुसते ही ना एक बहुत अच्छा स्मेल है. तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब यू नो स्वेट का स्मेलिंग होता है, कहीं भी चेंजिंग रूम में चले जाओ तो यहाँ पर स्वेट का स्मेल बिल्कुल भी नहीं है. बहुत ब्यूटीफुल एक ऑर्डर आ रहा है, बहुत ब्यूटीफुल स्मेल लेके है. पर भाई चेंज रूम में CCTV एरेना में ना यहाँ से घुस सकते हो, यहाँ से इसका एंट्री है. तो मैं एरेना में आपको घुस के दिखाता हूँ. दिस इज हाउ द एरेना लुक्स लाइक, मतलब बॉक्स कैसा ऐसा दिखता है अंदर से, बहुत मस्त है. एक्चुअल में यहाँ पे जो है कारपेट्स जैसा है, मतलब कुछ आर्टिफिशियल, इसको ना ये कुछ फाइबर वाले कारपेट्स होते हैं, तो ऐसा कुछ कुछ होता है इसमें, कुछ छोटे छोटे वैसे निकल आते हैं पार्ट्स, कुछ फाइबर का होता है तो दाने दाने जैसा होता है कारपेट, तो तेज भी आता है कभी कभी बॉल और कभी कभी रुक के आ जाता है. तो क्रिकेट के अब इतने छोटे से एरिया में इतना क्या ही सोचोगे कि इतना बॉल तेज आ रहा है रुक के आ रहा है. यहाँ पे तो भाई भाई पेलो, सिर्फ पेलो. और ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे छक्का चौका सिर्फ सीधे ही मिलता है आपको बॉक्स क्रिकेट में, कहीं भी खेल लो तो ये साइड में कहीं लगता है तो 1D और 2D ही मिलता है आपको. बॉक्स क्रिकेट का खास बात होता है ना कि आप अपने रूल्स अपने आप बना सकते हो कि यहाँ लगेगा तो छक्का, यहाँ लगेगा तो चौका, यहाँ लगेगा तो दो रन. तो ये बॉक्स क्रिकेट का बेस्ट फैसिलिटी होता है. और फुटबॉल के लिए पूरा मार्किंग सारे जहाँ पे लगे हुए हैं, ये सेंटर्स है, साइड लाइंस भी लगे हुए हैं, वहाँ पे गोल पोस्ट लगे हुए हैं सारे. यहाँ पे रेफ्रिजरेटर फैसिलिटी भी है, अपने सामान रख के रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो. जैसे कि अगर टूर्नामेंट कराते हैं ना ऑफिस वाले, तो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर में अपना कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ रख सकते हो. यहाँ पे मॉन्स्टर रखा हुआ मैं देख रहा हूँ, इटू कि नहीं खा पा ही नहीं कि मॉन्स्टर टू. हाँ तो यहाँ पे मिल रहा है और अपना सामान भी ला के यहाँ पे कूल करके आराम से रख सकते हो. अगर चाय कॉफी आपको पीनी है तो यहाँ चाय कॉफी भी मिल जाएगी, कॉफी टी लेमन यहाँ पे प्राइजेस लिखे हुए हैं, तो ये मशीन से आपको वेंट करके दे दिया जाएगा. और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मतलब वो सबके लिए बैठे रहते हैं जो मतलब सब कुछ देखते हैं, पेमेंट्स वगैरह सारे आप कुछ यहीं पे देखते हैं, टेबल पे आते हैं. लोग जर्सीज भी प्रोवाइड करते हैं, ये देखो सारे जर्सी धो के सुखाए हुए हैं. तो अभी लोग प्रोवाइड क्या क्या करते हैं खेलने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अभी देखो फुटबॉल अगर खेलते हो तो बॉल्स आपको मतलब मैंडेटरी मिलेगा ही, उसके साथ ही मतलब अगर जर्सी चाहते हो, मैंने दिखाया आपको जर्सी भी आपको मिल ही जाएगा मैंडेटरी, मतलब फ्री में मिल जाएगा, ठीक है. लेकिन ये लोग बूट्स भी प्रोवाइड करते हैं. अगर बूट्स लेते हो फिर आपके साइज के हिसाब से अपना बूट लेते हो, अवेलेबल होते हैं कि बस लेते हो, तो पर आवर 70 rupees इच बूट का लगेगा, मतलब एक जोड़े बूट का एक आदमी के लिए 70 rupees आपको पर आवर देने पड़ेंगे. अगर आप क्रिकेट खेलने आते हो यहाँ टेनिस बॉल वाला इस मतलब एरेना में अंदर, ये बॉक्स क्रिकेट अगर खेलने आते हो टेनिस बॉल वाला, तो इसके लिए आपको बैट बॉल दोनों मिल जाएंगे और विकेट्स भी मिल जाएगा, स्टंप आपको लेके नहीं आना है, तो वो मैंडेटरी, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं. वाटर फैसिलिटी भी आपको मिल जाता है, पानी वानी अगर आपको चाहिए हो तो बॉटल लेके आकर आराम से भर सकते हो, अपने प्लेयर्स को यहाँ पे अंदर दे सकते हो खेलते वक्त. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे म्यूजिक फैसिलिटी भी आपको मिल जाता है, तो आप अपने खेलते वक्त अगर क्रिकेट विकेट खेल रहे हो ना तो म्यूजिक विजिक सेट चाहिए होता है ना, छक्का चौका लगने में, तो म्यूजिक फैसिलिटी भी मिल जाती है. यहाँ पे इनका एक डगआउट है, यहाँ पे देखोगे तो बेंच लगे हुए, तो आराम से यहाँ पे डगआउट में बैठ के, और ऊपर से टीन रूफ भी है ताकि सनलाइट कम पड़े. बट यहाँ देखोगे तो फैन लगा हुआ है, तो फैन भी चलेगा यहाँ पे डगआउट में बैठे रहोगे. तो मेरे साथ ये ऑनर है, तो दादा आपका नाम क्या? आदित्य गढ़वाल. आदित्य भाई है मेरे साथ. तो आदित्य भाई मेरे को ना ये फैसिलिटी के बारे में आप मेरे को जानना है. एक्चुअली देखो गुवाहाटी में ना मैं बोलूंगा तो ऐसी फैसिलिटीज है नहीं, तो आपको ये कहाँ से आइडिया, इतना क्रिएटिव आइडिया कहाँ से लाते हो यार आप लोग? सच्ची बोलो तो ये कुछ ऐसा नया आइडिया है तो है नहीं, क्योंकि बाहर चेन्नई मुंबई दिल्ली में ये सब बहुत मतलब कॉमन है. गुवाहाटी में अभी तक ऐसा किसी ने किया नहीं था, सो प्रोबेबली दैट्स व्हाई आई सीम वेरी क्रिएटिव. लेकिन मेरा आइडिया आया क्योंकि लाइक आई कम फ्रॉम अ स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, आई प्ले प्रोफेशनली, तो आई वॉन्टेड टू डू अ बिजनेस वेयर I'm helping the people who are doing jobs, regular जो job कर रहे हैं तुम्हारे जैसे या मेरे जैसे या जो भी है, उनको एक avenue चाहिए अपना stress release करने के लिए. Like we do that by either drinking or smoking or you know things like that, bad habits. तो उससे ही idea आया कि like if I make a sports facility ऐसा जहाँ लोग अपना favorite sport जो भी हो, मतलब छोटा सा ही जगह है लेकिन जितना भी हम लोग accommodate कर सकते हैं, लोग आके वो खेलते हैं, तो It's a getaway. वो stress एक release होता है और plus वो एक healthy way में release होता है rather than doing bad habits. मतलब business wise तो ठीक है, लेकिन this is for me, मतलब ये मेरा purpose है and I hope मतलब जो भी इसको मतलब ये purpose से associate करते हैं वो मतलब use करे और like उसका फायदा ले सके. We are so similar on this. मैं भी job up करता हूँ, I am so stressed. लेकिन फिर जब जाके bat पकड़ता हूँ ना आधे घंटे के लिए, I'm like bro, I'm in peace. लोगों को एक तो आप stress relief कर रहे हो, that is first part. एंड सेकंड पार्ट इज आप उनको बैड एडिक्शन से बचा रहे हो, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग एवन. अगर कोई अगर दिन में अगर एक 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 भी अगर चीज कम कंज्यूम करे बिकॉज दे आर टायर्ड ऑफ प्लेइंग और दे आर एंजॉयिंग प्लेइंग, आई थिंक दैट विल बी द बिगेस्ट विक्ट्री फॉर मी. लाइक यहां पे इनका पूरा एरिजोना लिखा हुआ है, रात को जब आओगे ना तो यहां पे लाइट्स जलेंगी, तो रात को देखने में बड़ा मजा आता. ये नेट्स, बैटिंग नेट्स, क्रिकेट बैटिंग नेट्स, जहां पे बॉलिंग मशीन से आप खेल सकते हो. और इसका मैक्स स्पीड जो है 160 km/h, 160 km/h के स्पीड पे ये बॉल डाल सकते हैं बॉलिंग मशीन से. भैया
फट लेगी, सच में फट लेगी। यहाँ पर प्रोफेशनल्स भी आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये भैया लोग जो देख रहे हो ना, ये ऑफिस के लिए अपना टूर्नामेंट के लिए प्रैक्टिस करें, तो ये बिल्कुल इतनी तेजी से नहीं प्रैक्टिस करेंगे, बट दे विल प्रैक्टिस। इसकी अगर चार्जेस की बात करूँ मैं, तो इस पर आवर्स एंड हाफ एन आवर बेसिस है। आधे घंटे में 120 बॉल, इसका मतलब 5 ओवर, सॉरी आधे घंटे में 20 ओवर 120 बॉल, इसके चार्जेस है 499 रुपीज़, मतलब 500 रुपये। और एक घंटे के लिए अगर बुक करते हो तो 40 ओवर मिलेंगे आपको और चार्जेस होंगे 949, मतलब 950 रुपये आपको लगेंगे एक घंटे के लिए, जिसमें 40 ओवर आपको मिलेंगे, 240 बॉल। एक्चुअली 160 किलोमीटर इज नॉट मजाक भाई, 160 किलोमीटर पे खेलो तो पूरा गैस वेस लगा लेना, तो नहीं तो समझ जा। ये वाला बॉलिंग मशीन है, इसका आप लेंथ एंड लाइन एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे। आपको अगर आप क्रिकेटर हैं तो जानते होंगे कैसे एडजस्ट करना होता है, ऊपर नीचे इसको हैंडल से करेंगे तो इसका लेंथ एंड लेंथ एडजस्ट हो जाता है। और स्पीड एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे मीटर्स होते हैं, यहाँ पे ये स्पीड मीटर है, यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है स्पीड। क्रिकेट नेट्स में अगर बैटिंग करते हो तो आपको बैट मिल जाएगा और बॉल मिल जाएगा, बाकी के जितने भी किट्स होते हैं जूते से लेके ग्लव्स से लेके गार्ड से लेके हेलमेट से लेके सब कुछ आपको अपना खुद लेके आना पड़ेगा। एक कहावत है जिसमें कहा जाता है अगर दुकान आपका है ना और दुकान में झाड़ू नहीं लगाते हो तो आप उस दुकान के मालिक नहीं हो सकते। अब तित्या का इतना बड़ा स्पोर्ट्स फैसिलिटी और बॉल कलेक्ट जब करना होता ना, वो खुद जाके बॉल कलेक्ट करके ऐसे लेके जा रहा है। यार स्पोर्ट्स ना आपको ये सिखाता है, स्पोर्ट्स ना आपको ऐसा इंसान बनाता है। तो ब्रो आपके यहाँ पे कौन कौन से स्पोर्ट्स के फैसिलिटीज अभी हैं? मैंने तो देख लिया और दिखा भी दिया लोगों को। और आपके वो जो बिल्डिंग्स में अंडर कंस्ट्रक्शन है उसमें और कौन कौन से फैसिलिटी, पहले आपको बता दो कि कौन कौन से अभी अवेलेबल है आपके पास। श्योर ब्रो, तो अभी हम लोग का तो ये फुटबॉल टर्फ है, तो ये ऑलमोस्ट 11 मंथ्स हो गया इसका। तो इधर लोग फुटबॉल खेलते हैं 6-a-side, 7-a-side और बॉक्स क्रिकेट भी खेलते हैं, तो बॉक्स क्रिकेट आजकल बहुत फेमस हो गया है। उसके अलावा मेरा एक क्रिकेट नेट है जहाँ बॉलिंग मशीन है, तो पीपल कैन कम। अगर अकेले हो तुम, फुटबॉल के लिए कोई पार्टनर नहीं है, क्रिकेट के लिए नहीं है, अकेले आके यू कैन प्ले इन द बॉलिंग मशीन। उसके बाद हम लोग स्विमिंग पूल लॉन्च करेंगे, वो भी पूरा कमर्शियल स्विमिंग पूल, 25 मीटर्स का स्विमिंग पूल है, तो आई थिंक जिन लोगों को स्विमिंग करना है वो लोग के लिए अच्छा है। प्लस एक स्क्वाश कोर्ट है जो अराउंड 1 month पे रेडी हो जाएगा, और बाकी इन फ्यूचर एक जिम और एक इंडोर बैडमिंटन और बास्केटबॉल का मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो पकड़ लीजिए अराउंड 6-8 months टाइमलाइन लगेगा कंप्लीट होने में, ये ईयर के एंडिंग तक वो भी बन जाएगा। होपफुली दिस इज रियली नाइस। ये वाला जो फैसिलिटी है ये बन रहा है स्विमिंग पूल, और अप्रैल के 12 से 15 तारीख के बीच में इसका ओपनिंग होने जा रहा है। तो दिस इज़ रियली ओपनिंग सून। इसके चार्जेस अभी तक डिसाइड नहीं हुए कितने होंगे क्या होंगे, तो जब 12-15 तारीख के बाद अगर आप ओपनिंग हो जाती है और आप आते हो तो इसको भी आप बिल्कुल इस्तेमाल कर पाओगे। जैसे कि मैंने अभी तक ऑलरेडी बताया कि दो ही सिर्फ स्पोर्ट्स फैसिलिटी ओपन है, और बाकी जो इसके अंदर बन रहे हैं बॉस, बैडमिंटन, स्पोर्ट्स, जिमिंग फैसिलिटी और बहुत सारे फैसिलिटी होगी, इंडोर फैसिलिटी होगी, इधर अंडर कंस्ट्रक्शन जो भी है ना वो सारे बन जाएंगे ना, तो और ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पे अभी बैडमिंटन वगैरह को तो नहीं किया, फुटबॉल का और क्रिकेट का तो अभी सबको पता ही है चार्जेस, और स्विमिंग का भी सून हम लोग रिलीज कर देंगे एक बार वो पूरा कॉस्ट निकाल के कितना हो सके, जितना कम में हम लोग कर सके। हमारे जैसे गरीब प्लेयरों के लिए थोड़ा सस्ता करवा दो भाई, गरीब लगते नहीं हो वैसे, लेकिन फिर भी इस आदित्य से बात करके ना मजा आ गया, लिटरली मजा आ गया भाई। वो भी क्रिकेटर है भाई, मैंने सोचा ही नहीं था क्रिकेटर होगा, स्टेट क्रिकेटर रणजी वनजी खेला हुआ है, तमिलनाडु से बोल रहा है, लिटरली बहुत मजा आया, बहुत मस्त बन रहा था यार, बहुत मजा, बहुत फन बन रहा था। आपने तरह बस, तो अपन लोग सेम है अपन लोग। रिजोना के बारे में आपको तो पता चल ही गया कि क्या फैसिलिटीज है, क्या चार्जेस है और क्या क्या बन रहा है, क्या क्या बनने वाला है, सब कुछ पता चल ही गया आपको। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और बाकी ऐसे ऐसे कुछ बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे, डोंट वरी, प्लीज़ मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि भाई आप यहाँ खड़ा है, आप लोग के यहाँ और क्या है यार, जिंदगी के मजे लेते रहो जैसे हमेशा मैं मिल लेता हूँ। मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो यार, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, सभा करेंगे, जय हो, बाय। I met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you.